सर ट्रेनिंग कैसी जाए? एब्सोल्युटली फाइन जी। पहली पूछूं आपसे? सौकी जी होगी 10 दिन का। अच्छा पहली पूछूं? देख लें। अच्छा आपने मुझे ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने मुझे ये बताना है कि एक मर्द अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा माफ़ी किससे मांगे। एक बीवी है, उसे पता है कि उसका खावंद हर वक्त कहाँ है। कैसे पता उसे? वो कौन सी चीज़ है जो पहली और दूसरी बार मुफ्त मिलती है और तीसरी बार फिर पैसे दे के लेनी पड़ती है? ये अब आपकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, पहली पूछेंगे या कुछ बात कर लेते हैं। कोई भी बात शेयर करें, कोई गाना सुनाएं। नहीं गाना तो मुझे आता नहीं है। कोई शेर? शेर भी नहीं आता। लतीफा? लतीफा भी नहीं आता। कोई कुछ तो आता होगा। इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, क्लैपिंग हो जाए प्लीज इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब सेफ सिटी 30 टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शमशा आवान। नाज़रीन आज हमारे सेफ सिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के गेस्ट मौजूद हैं जो कि ट्रेनी DSPs हैं। सारी उम्र जो है उन्होंने पुलिस में गुजार दी और आइए अब उनसे जानते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका वो आंसर दे पाएंगे, हमारी जो पहेलियाँ हैं छोटी छोटी उनका उनको पता भी है उन पहेलियों का कि नहीं, और साथ ही साथ उनसे ये जानते हैं कि वो सेफ सिटी में क्या कर रहे हैं और सेफ सिटी को पूरे पंजाब को एक महफूज करने में क्या किरदार है। तो आइए उनसे जानते हैं और उनसे गपशप भी करेंगे थोड़े लाइटर से नोट पे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी कल्बे सजाद। सर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आगे कैसा लगा? हमारे लिए क्यों, मैं उकाड़ा से आया हूँ, वहाँ पे मेरी सर्विस है, वहाँ से मैं आया हूँ। तो हमारे जैसे वहाँ पे अजला हैं, हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ तक तो पहुँच रही थी, जैसे पुकार का सिस्टम हमारे पास वहाँ पे पहुँच चुका है और हमें उसके मुताबिक हम काम भी कर रहे थे। कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मतलब हमें पता भी है, लेकिन यहाँ पे आके वीन यकीन करें कि बहुत ज़्यादा हमें कह लें कि काफ़ी वसी भी हुआ और देख के बड़ा मज़ा आया है कि जिस लेवल की यहाँ पर फैसिलिटी है इसको अगर अवेल किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप यानी कि हम जो क्राइम कंट्रोल करने में और उसको डिटेक्ट करके पकड़ने में और लोगों को रिलीफ ना दे सके हम किसी। सर कितनी देर होगी आपको पुलिस की जॉब करते? मैं 97 में सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे के आया था। अच्छा। और अब तकरीबन 22-23 साल हो गए। पहली पूछूं आपसे? सौखी जी होगी 10 दिन का। सौखी होगी, सौखी पूछ लो जी, बताएं। अच्छा वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर जो पानी पीती है और साथ ही मर जाती है? प्यास ही है मेरे ख्याल में। नहीं, नहीं कोई और पास पास ही पानी पीती और साथ ही आग। आग वैसी चीज़ है जो पानी पीती है मर जाती है। जी जनाब उन्होंने जवाब तो दोनों ठीक दिए, दोनों मर जाती हैं, लेकिन आप बताइएगा कौन सा जवाब ज़्यादा बेहतर है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो हमारी पहली का आंसर दे पाएंगे नहीं और उन्हें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आके कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर आपका नाम? जी मोहम्मद असगर, फैसलाबाद से जी। सर कितनी देर होगी सर्विस? जी 27 ईयर्स हो चुके हैं जी। और लाहौर में फर्स्ट टाइम आपने सर्विस की है या पहले भी? लाहौर में सर्विस नहीं है, फर्स्ट टाइम इधर सेफ सिटी अथॉरिटी में आया हूँ जी। तो सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम हियर वी कम टू इन्फर दैट वी आर स्टेपिंग इन अ न्यू एरा। पंजाब पुलिस हैज एब्सोल्युटली चेंज्ड। सेफ सिटी ने कॉन्सेप्ट ही चेंज किया। एब्सोल्युटली कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और बड़ी न्यू डायमेंशन सामने आई है जी कि पुलिस इस लेवल पे भी काम कर सकती है। इट्स ए सच एन इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल टूर। सर ट्रेनिंग कैसी जा रही है? एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा पहली पूछूं? देख लें। अच्छा सर वो कौन सी चीज़ है जो पहली और दूसरी बार मुफ्त मिलती है और तीसरी बार फिर पैसे दे के लेनी पड़ती है? पहली और दूसरी बार मुफ्त और तीसरी बार पैसे दे के लेनी पड़ती है? नहीं आई एम सॉरी, किसी और से आप मदद ले सकते हैं? जी जी सर। अच्छा मैं गेस्ट हूँ आपको। ठीक है कोई ऑप्शन दे दें मुझे, ऑप्शन दे दें। पहली और दूसरी दफा दांत। दांत एक ऐसी चीज है जो पहली और दूसरी बार मुफ्त लेकिन तीसरी बार। सेकंड ऑप्शन भी है, बाल भी इसी जुमरे में आ चुके हैं। बाल भी इसी जुमरे में आ चुके हैं। चलिए थैंक यू सो मच सर, आप सो नाइस, थैंक यू मच। चलिए हम नेक्स्ट किसी से पूछते हैं कि वो हमारी पहेली का सही आंसर दे पाएंगे या नहीं। वैसे तो सभी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं लेकिन एक से बात करते हैं वो मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट लगते हैं और आइए उनसे पूछते हैं कि वो इंटेलिजेंट है भी कि नहीं और वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे या नहीं। तो आइए उनसे पूछते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ। सर क्या नाम है आपका? अरशद खान, डेरा गाजी खान से। अच्छा सर, पंजाब सेफ सिटी से अथॉरिटी में आके आपने सीखा क्या? ये जो इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉलिसिंग है वो जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक भी है और हमारी ज़रूरत भी है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेचर ऑफ क्राइम बदल रही है, जो क्रिमिनल्स हैं उनके तरीका हाय वारदात बदल रहे हैं, तो उन बदलते हुए तरीका हाय वारदात को निमटने के लिए पुलिस के लिए ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर चले। एंड वी हैव लर्नड अ लॉट हियर। अच्छा सर, ट्रेनिंग कैसी जा रही है? ट्रेनिंग सच्ची बात है कभी भी आसान नहीं होती। अच्छा। ठीक है, आप उम्र के जिस भी हिस्से में हों, सबसे पहली बात जब आप पाबंद हो जाते हैं ना कुछ सैंक्शंस में, तो वो आसान नहीं होती, बट अब हम यूज टू हो चुके हैं जी। तो दैट्स व्हाई। कितने साल हो गए सर्विस? 27th ईयर्स है, चल रहा है। अच्छा माशाल्लाह। एक क्वेश्चन पूछूं? सवाल ही बन के आए हैं आप। अच्छा आपने मुझे ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने मुझे ये बताना है कि एक मर्द अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा माफी किससे मांगता है? सबसे ज्यादा माफी किससे मांगता है? अब माफिया के दौर में तो मर्द तो माफिया ही मांगता रहता है, सच्ची बात यह है। लेकिन आपने सबसे ज्यादा माफी किससे मांगी? अपने छोटे बच्चों से जिनके लाड बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। जो बाज़ औक़ात पूरे नहीं हो सकते तो प्यार से माफी मांग लेते हैं। तो वाइफ से नहीं के माफ करती? वाइफ माफ करती है। ये भी है, वाइफ तो माफ ही नहीं करती। आज हमें एक मैडम लेक्चर दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि दुनिया का एक तजिया ये है कि हार्ट अटैक ख्वातीन में कम होते हैं। तो मैंने अर्ज किया असल वजह चूँकि ख्वातीन है हार्ट अटैक की, तो इसलिए उनको कम होते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन किसी और से भी पूछते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा माफी, सर आपने सबसे ज्यादा माफी किससे मांगी? इन्होंने अपने करतूत की माफी मांगी। असल में गुरमानी साहब ने शायद ज़्यादा उसमें एक्सप्रेशन कर दी है। मेरा ख्याल है कि बंदे को अपने आप से और खुदा से ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इंसानों में सबसे ज़्यादा इंसानों में मतलब इंसानों में अक्सर रास्ते में जाते हुए आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपको मतलब कोई आपका हाथ लग जाता है, तो मेरा ख्याल है कि बेग मी पार्डन उनको कहना चाहिए ताकि माशरे में अच्छी बातें फैलें। और आपने बच्चों से ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि हमें चीनी की कहावत है कि हम अपने बच्चों के मकरूज हैं। okay. यानी हमारे बड़ों ने हमारे साथ जो बेहतरी की, जो भलाई की, ये हमारा अखलाकी और जीनियाती फ़र्ज़ है कि हम वो भलाई अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करें। अगर हमसे गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें अपोलोजाइज अपने बच्चों से करना चाहिए। जी इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला। और क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं कि एक मर्द सबसे ज़्यादा माफ़ी अपनी ज़िंदगी में किससे मांगता है, और आगे चलते हैं, शायद उनको ये क्वेश्चन का आंसर ठीक आए ना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? इसरार हुसैन अबैसी। सर कहाँ से बिलोंग? साहिवाल से। फर्स्ट टाइम आए हैं लाहौर? नहीं, लाहौर तो कई दफ़ा आए, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी में फर्स्ट। कभी पोस्टिंग हुई है लाहौर? जी हुई है। अच्छा। सीपीओ में हुई है। अच्छा अच्छा, तो ट्रेनिंग कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है सर। जी सर, आप मुझे बताइएगा कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आके क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा और क्या टेक्नोलॉजी मदद दे रही है? वंडरफुल एक्सपीरियंस, वी लर्न सो मच अबाउट इंफॉर्मेशन, वीडियो एंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड लेटेस्ट बेस्ड टेक्नोलॉजिकल ऑल आर हेयर। पुलिस डिपार्टमेंट शुड नाउ कम्स टू ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स आर हेयर। वेल इन्वेस्टिगेशन में ड्यूटी की आपने? जी की है। वेल फैसिलिटेटेड एंड वेल ओरिएंटेड पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी इन फ्यूचर इट शुड प्रोवाइड ए लीड्स एंड प्रोविजन ऑफ जस्टिस इज पॉसिबल इन एवरी ईयर्स एंड एवरी सिटीज। तो कभी आपको जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप डीएसपी बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर किस तरह आप समझते हैं कि इंटेरोगेशन में या इन्वेस्टिगेशन में मदद देगी पंजाब सेफ्टी? सर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब हम अपने आईओज़ को या पर्सनली अगर हमें इंटरेस्ट होती है कोई इन्वेस्टिगेशन, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा लीड ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल डिटेक्शन में, स्पेशली उनकी पोजीशन पे, उनके लोकेशन पे और उनकी जो है ट्रेवलिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, वो सारी वीडियो और एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज़ सो मच जो एडमिसिबल नाउ इन कोर्ट्स,
सो इट्स वेरी हेल्पफुल इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी सर। मोहम्मद ताहिर शबीर, ज़िला लैया से। जो हमें मेन जो यहाँ पे महसूस हुआ है फ़ायदा, वो ये महसूस हुआ है कि अगर हमारे इलाके से कोई क्रिमिनल अगर लाहौर में आता है तो आपका इलाका कौन सा? लैया, डेरा गाजी खां, उधर से राजनपुर, मतलब दूर दराज इलाके से, उधर से कोई लाहौर अदर सिटीज़ जो हैं वहाँ से कोई क्राइम करके इधर आता है तो वहाँ यहाँ डिटेक्ट हो सकता है। हमें हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे छोटे ज़िलों के लिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि छोटे ज़िलों के लिए हेल्पफुल है, जब कोई कोई क्राइम वहाँ पे हो जाता है या वो बंदा क्रिमिनल जो है वो लाहौर में आता है तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि एंट्री पॉइंट जितने हैं, एग्जिट पॉइंट जितने भी हैं, वहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है तो ये हमें आसानी। और FR कैमराज भी है जिससे आपका फेस बिल्कुल डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ट्रेन नंबर प्लेट का सिस्टम, ये सब कुछ, ये फ़ायदा मंद है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है और कितने अरसे बाद ट्रेनिंग हुई है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ये हमें जो हमारी कितनी ईयर सर्विस हो गई है? 27 ईयर्स। माशाल्लाह। और किस सन में भर्ती हुई थी? 93 में। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे? अच्छा, वो एक बीवी है, उसे पता है कि उसका खावंद हर वक्त कहाँ है, कैसे पता उसे? आजकल जो आजकल तो खैर ये मोबाइल दौर आ गया है तो ये तो हमें सिम लगी हुई है ना, कंफर्म पता होता है बीवी को कि उसका खावंद इस वक्त कहाँ है। मतलब वो कौन सी बीवी ऐसी है जिसे हर वक्त पता होता है कि उसका खावंद कहाँ? हमारी जरूरत है हम उसे ना बताएं हम कहाँ हैं? यहाँ से फारिग होंगे, बाहर मोबाइल लेंगे और बात करेंगे इधर गए थे आज। लेकिन वो बताता भी नहीं है, फिर भी उसे पता होता है कि मेरा खावन इधर है। अब पता लग जाता है हर वक्त रास्ते में जो हैं। जी जी, दूसरे लोगों से पूछते हैं और वो उन्होंने हाथ खड़ा किया, शायद उन्हें पता हो कि वो कौन सी बीवी है जिसको पता होता है कि उसका खावन किधर है। जी सर, आप बताइएगा मुझे, आपने हाथ खड़ा किया था, कौन सी बीवी है जिसे पता होता है? अच्छा, बेचारी बेवा है। वो बीवी नहीं है, बेचारी बेवा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेवा औरत को पता होता है कि हर वक्त उससे कोई टेंशन नहीं होती कि उसका खावन का है, तो ये उन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। और सर, पंजाब से सिटी थॉट्स आके कैसे? जी, आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और मैं आई बिलोंग टू मंडी भावदीन, लेकिन मैं जॉब जो है सारी सियालकोट में की है, तो इधर आके बड़ा अच्छा वीएन मिला। और सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ पे आबादी जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, पुलिस के पास इतने सोर्सेज नहीं है, तो ये सेफ सिटी अथॉरिटी वाला जो आइडिया है, न्यू टेक्निक्स, ये कैमरास, इससे क्राइम कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। और सियालकोट में भी ये जो है ना चीज़ें मैं देख रहा हूँ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो इंशाल्लाह पुलिस का फ्यूचर जो है इसमें बेहतर है। इतनी लागत भी नहीं है और ये कैमरास से हर चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है, और वासा को और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सुना है, बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो आई थिंक इट इज़ ए गुड प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच सर। और कितनी देर होगी सर्विस में? जी मुझे 26 ईयर्स के करीब होंगे। आपने भी 93-94 में ज्वाइन किया? जी जी, ये मोस्टली मेरे बैच मेट्स ही हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए आप लाहौर? नहीं नहीं, मैं लाहौर में मैनी टाइम्स, कई दफ़ा आ चुका हूँ। जी जी। पोस्टिंग हुई है कभी लाहौर? नहीं, लाहौर में सर्व नहीं किया, ज़्यादा सिक्स में किया है। थैंक यू सो मच ताहिर साहब आपसे। जी जनाब, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं, और लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर रह गया, वो तो अभी तक किसी ने भी नहीं दिया, तो आइए कैसर साहब से पूछते हैं कि वो मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत। सेफ सिटी अथॉरिटी आके कैसा लगा, क्या फील किया, कैसा एक्सपीरियंस था? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन का आंसर देंगे आप? अच्छा, रिपीट कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि उन्होंने वॉलंटरी हाथ खड़ा किया कि मैं दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक मर्द अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा माफ़ी किससे मांगता है? वो एक ऐसा शख्स होता है जिसको हम बड़ा कमज़ोर समझते हैं। अच्छा। और वो भिखारी होता है। इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, क्लैपिंग हो जाए प्लीज़ इनके लिए। एक भिखारी से सबसे ज़्यादा माफ़ी जो है वो एक मर्द मांगता है, और मेरे ख्याल में खवातीन भी सबसे ज़्यादा। जी जी, यस यस। अच्छा, मर्दों को ज़्यादा, मर्दों को ज़्यादा पाला पड़ता है क्योंकि। अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ट्रेनिंग कितनी देर की से कर रहे हैं, किस कैसा एक्सपीरियंस, कब तक चले? जी 4 माह की ट्रेनिंग है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। कितनी देर हो गई है? तकरीबन 1.5 महीना होगा तकरीबन। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आप लाहौर में आए हैं या पहले भी पोस्टिंग हुई? जी पोस्टिंग कभी नहीं हुई, वैसे तो आते जाते रहता लोग। अच्छा, पोस्टिंग नहीं? जी नहीं। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सियालकोट से। थैंक
थैंक यू सो मच कैसर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब हम नेक्स्ट जो है इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं जो कि प्रमोट हो रहे हैं एज अ DSP, और उनसे पूछते हैं कि वो हमारी पहेली का आंसर दे पाएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अल्लाह यार सैफी नाम है मेरा। सर पंजाब से सिटी अथॉरिटी आके क्या लर्न किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? माशाल्लाह यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है और ये अब 100% हमें यकीन हो गया है कि अब इंशाल्लाह ताला जो भी वारदात होगी ना, तो जो लाहौर या जहाँ जहाँ इसकी इंस्टॉलेशन हुई है वहाँ इंशाल्लाह वो वारदात हर सूरत में जो है ट्रेस होगी। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रहीम यार खान से। तो फर्स्ट टाइम आए लाहौर या पहले कभी? नहीं, पहले भी यहाँ आते जाते हैं। पोस्टिंग हुई कभी लाहौर? कभी पोस्टिंग नहीं हुई। अच्छा सर, क्वेश्चन पूछें या कुछ और शेयर करें? ये अब आपकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, पहेली बूझेंगे या कोई बात कर लेते हैं। कोई भी बात शेयर करें, कोई गाना सुनाएं। नहीं, गाना तो मुझे आता नहीं है। कोई शेर? शेर भी नहीं आता। लतीफा? लतीफा भी नहीं आता। कोई कुछ तो आता होगा। कुछ बस आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये लतीफा, ये लतीफा। एक सवाल मैं भी करूं। जी जी जरूर। आप यहाँ क्या करती हैं? मैं एंकर हूँ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के वेब चैनल पे। अच्छा माशाल्लाह। और मैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो आप ये टीवी, कौन सा टीवी चैनल है जिस पे आप आती हैं? हाँ, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के नाम से हमारा जो है फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब पे चैनल है, और इसके अलावा हम आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी देख सकते हैं। अच्छा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको सारी वीडियोस मिलते हैं। आपकी आपसे फिर मतलब ये तो हमारी खुशकिस्मती है, आपसे बात हुई है हमारी, हमें बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जाते जाते एक क्वेश्चन हो जाए। हाँ जी। वो कौन सा जानवर है जो खड़े होकर भी सो सकता है? खड़े होकर भी सो सकता है? घोड़ा। घोड़ा, बिल्कुल ठीक सर। क्लैपिंग हो जाए जी सर के लिए। और इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ रहें सेफ सिटी के साथ। और अगर आपको पता है कि कंप्यूटर को उर्दू में क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम चलते हैं, ग्रुप सेल्फी लेते हैं, और इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।